हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जो के जिनका जो जर्मन लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होता है जर्मनी के अंदर स्टडी करने के लिए या अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले नंबर पे तो आप लोगों को पता ही है कौन सा होगा, वो है गोथे इंस्टीट्यूट है। वहाँ का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड रहता है और उसको कोई भी चैलेंज कहीं पे भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो इन्हीं का इदारा है और वहाँ का जो सर्टिफिकेट है वो हमेशा माना जाता है और उसकी जो वैलिडिटी जो होती है वो पूरी ज़िंदगी रहती है। ठीक है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। आइल्स की तरह नहीं है 2 साल 3 साल में एक्सपायर हो जाए, ऐसा नहीं है, उसकी वैलिडिटी रहती है। और टेस्ट डेफ एक और इंस्टीट्यूट है, वहाँ की भी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से अगर आपने एग्ज़ाम दे के सर्टिफिकेट लिया है तो वो भी वैलिड है। वो नॉर्मली B2 या C1 का लैंग्वेज के लिए ही सिर्फ लोग यूज़ करते हैं, और जिनको काम शाम जॉब शॉप करनी होती है उसी के लिए वो यूज़ होता है। और 95 डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो है वो ऑफ़र होता है, आप लोग देख सकते हो और फिर उस हिसाब से आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हो उसके अंदर। तो ये सेकंड नंबर पे है। तीसरे नंबर पे एक और है, टेल्क के नाम से एक और इंस्टीट्यूट है। इसका टेल्क क्या है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहले, द यूरोपियन लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स। ठीक है, तो ये इसका एब्रीवेशन है या स्टैंड फॉर जो भी कह सकते हो आप लोग, वो वैसे है और इसके अंदर भी आप लोग दे सकते हो। और ये बहुत 10 लैंग्वेजेस के अंदर, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो यूरोपियन इंस्टीट्यूट है जो कि एग्ज़ाम लेता है, उसमें से एक जर्मन भी है। तो अगर आप इसमें दे के भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी आप वो भी वैलिड होगा और कंसीडर किया जाता है यहाँ पे। उसके अलावा एक और है DSH के नाम से एक है, वो भी है, मगर वो सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर है, आपके जो है वो एडमिशन लेने के लिए वो होता है। वो हॉकशूल सुगांग करके जो टेस्ट होता है वो यूनिवर्सिटी ही आपका टेस्ट लेती है और वो सिर्फ सिर्फ यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट के लिए ही वैलिड है जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। मगर अगर वो भी है, क्योंकि वो सिर्फ जो है वो रिटन और ओरली लिया जाता है आपका, और किसी उसमें जो है वो उसका एडमिशन नहीं लिया जाता, मतलब जो टेस्ट है वो नहीं लिया जाता, तो फिर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए ही वो वैलिड हो जाता है। तो खैर ये 4 हैं जो कि मेरी नॉलेज में हैं, और भी शायद हों शायद, क्योंकि मैं कोई कंसल्टेंट या इस तरह का बंदा नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए एक वीडियो बना देता हूँ ताकि लोग फिर जो है उनके पास एक ऑप्शन रहे। तो फिर मैं आप लोगों से मिलूँगा एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।